नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं संसद में जो कार्रवाई चल रही है और संसद का जिस प्रकार से मजाक बनाकर रखा है, ऐसा नहीं लगता कि भारत में भारत के विकास को लेकर, भारत की समस्याओं के समाधान को लेकर और भारत के बढ़ावे को लेकर, यानी कि भारत की सुव्यवस्था को लेकर कोई चिंतित भी है। खास तौर से मैं विपक्ष की बात करूँ, क्योंकि जिस उद्देश्य से ये सारा सिस्टम हमने बनाया, आप सोचो कि जब आप सिस्टम बना रहे हैं तो बनाते समय क्या सोच रहे थे वो सब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे चर्चा कर रहे थे। बीएन राव ने ड्राफ्ट बनाया, फिर डॉक्टर अंबेडकर ने उसको विस्तार दिया और डॉक्टर अंबेडकर ने एक एक बात पर चर्चा की, उस समय के सदस्यों ने चर्चा की, चर्चा करके ये तय किया कि सिस्टम कैसे चलेगा, भारत कैसे अच्छा बनेगा। बाद में डॉक्टर अंबेडकर खुद कहते थे कि मेरा अगर ये संविधान अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा तो मैं स्वयं इसको नष्ट करना चाहता हूँ। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर का विचार बिल्कुल सुदृढ़ था कि जो संविधान बनाया है उसी उद्देश्य का से उसका इस्तेमाल होगा, उसके जो 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 उसका उद्देश्य है वो पूर्ण होगा तो संविधान का बनाना ठीक है, और अगर उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता तो फिर अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए अगर संविधान का दुरुपयोग किया जाए तो मुझे लगता है कि ये संविधान इस योग्य नहीं है, ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर बार बार कहा करते थे। आज वो चीज़ दिखाई दे रही है। आपको याद है ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा ने जो गलती की, मतलब इन लोगों की नज़र में गलती थी कि उन्होंने कहा था कि 370 चूँकि संसद से 370 का एब्रोगेशन हुआ नहीं था, पिटीशनें फाइल थी, मैं उसमें काउंसिल भी था 370 की एक पिटीशन में, और हम उनको ये कन्विंस करने में सफल हो गए थे कि साहब इसकी जल्दी सुनवाई की जाए, आर्टिकल 35 कैपिटल ए और जो जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया हुआ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अंगेंस्ट में जाता है, क्योंकि आर्टिकल 35 कैपिटल ए बिना संसद में आए लगाया गया और संसद में जिसको रखा भी ना गया हो, क्या ऐसा आर्टिकल नेहरू जी अकेले अपने दस्तखत से पास कर सकते हैं एक चिट्ठी लिखकर? तो संसद में तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने को तैयार हो गया था। अब 370 अगर सुप्रीम कोर्ट सुन लेता तो जाहिर सी बात है कि 5 जजों की बेंच ने प्रेमा फसाई टिप्पणी एकदम ऑनरेबल जस्टिस सत्तू हुआ करते थे जब उनकी अदालत में गया था तो उन्होंने एकदम उछल कर कहा था हाउ इज इट पॉसिबल, 35 पॉसिबल कैसे है। बाद में वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भेज दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चीफ जस्टिस के बाद भेज दिया, चीफ जस्टिस ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बाद उन्होंने लगातार सुनवाई की तारीखें फिक्स कर दी, ये विपक्ष को हजम नहीं हुआ। दूसरा राम मंदिर का केस था, उस पर भी उन्होंने लगातार सुनवाई की तारीखें फिक्स कर दी थी। ऐसे कुछ केसेस ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा ने लगातार सुनवाई के लिए लगा दिए तो विपक्ष को लगा कि अब इनको रोकने का तरीका क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विपक्ष कुछ कर नहीं सकता, धरने प्रदर्शन के अलावा बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करते हुए राज्यसभा में, वेंकैया नायडू साहब उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, और उनके पास उन्होंने एप्लीकेशन लगाई महाभियोग की कि ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा का महाभियोग लाया जाए। किस लिए लाया जाए? क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या दुरुपयोग कर रहे हैं? दुरुपयोग ये कर रहे हैं कि 370 और राम मंदिर की केसेस को वो लगातार सुनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनके जजमेंटों से लोगों को लगता था ये राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं और ये राष्ट्रवादी व्यक्ति होने के नाते कहीं ऐसा ना हो कि उनके अनुरूप जजमेंट ना आए, और इतनी जल्दी फैसला हो क्यों जाए, क्यों सुनवाई हो जाए। तो इनका सबका मानना था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी जी की सरकार के ऊपर ये बर्डन आ जाए, ये कर नहीं पाएंगे, इनमें सरकार में हिम्मत नहीं है। हालांकि बाद में रंजन गोगोई साहब जब चीफ जस्टिस बने तो वो फाइल की सुनवाई भी हुई और राम मंदिर के पक्ष में जजमेंट भी हुआ, लेकिन 370 के मामले में जो इन लोगों ने ये प्रयास किया था उसको केंद्र सरकार 5 अगस्त 2019 को ले आई कि भाई इसको हम उड़ाई देंगे, और उन्होंने उसको उड़ा दिया कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का। और केवल अगर 370 डिसाइड होता, 35 कैपिटल ए डिसाइड होता तो शायद इतना बड़ा नहीं हो पाता जितना बड़ा अमित शाह जी ने कर दिया कि उसको यूनियन टेरिटरी बना दी, दो हिस्सों में बांट दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव
मशीनरी वहाँ की चेंज कर दी, वहाँ एकदम रिफॉर्मेटिव कर दिया, वहाँ के लोगों की जो वहाँ एंटी नेशनल बैठे हुए थे उनकी पावर छीन ली, पुलिस की हथियार छीन लिए, वहाँ CRPF लगा दी यानी कि केंद्रीय बल लगा दिए, उनके हाथ में बंदूकें दी, इनको केवल लाठी पकड़ाई और जो वहाँ की पॉलिटिक्स थी उन पॉलिटिक्स को कॉन्फेस्केट करके रखा, मतलब वेल प्रूव उन्होंने किया, ऐसा नहीं कर पाते। अब ये कह लो कि भाई 370 वाला मामला अगर दीपक मिश्रा जी सुनते तो शायद इतना अच्छा फैसला ना आ पाता जितना अच्छा इन्होंने कर दिया। हालांकि वो अब सुनवाई पर है और अभी चीफ जस्टिस आज के उनको सुनना चाहते हैं और लोगों की बहुत सारी आशंका है। जैसे ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा के लिए कहा करते थे कि वो राष्ट्रवादी हैं और वो राष्ट्र के ही पक्ष में आएंगे, वैसे ही इनके लिए भी कुछ लोग कुछ ना कुछ कहते ही हैं। लगातार लोग लिख रहे हैं कि भाई ये कौन सा, खास तौर से इन्होंने इनके जो जजमेंट हैं जिनमें ये सेक्सुअल मामलों के, वो अपने आप पे बता रहे हैं यानी कि देश के स्ट्रक्चर को लेकर। खैर कोई दूसरा जज आएगा तो फिर बदलेंगे, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि कितना बड़ा दुरुपयोग किया गया ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा को रोकने के लिए कि उनको कैसे रोका जाए और संसद में उनके खिलाफ महाभियोग, और 40 लोग केवल थे। आप सोचो महाभियोग के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है, 2/3 बहुमत से जिस सदन में रखा गया है उस सदन से वो पारित होना चाहिए, उसके बाद दूसरे सदन में वो जाएगा, दूसरे सदन में जिसके खिलाफ महाभियोग लाया गया है उनको उपस्थित होना पड़ेगा और वो उनके ऊपर जो एलिगेशन है उनके वो जवाब देंगे, जवाब देने के बाद दूसरे सदन से भी 2/3 बहुमत से जब वो पास होगा तब महाभियोग फाइनल माना जाएगा। और विपक्ष को मालूम था कि उनके पास 2/3 तो छोड़ दो, 1/3 भी बहुमत नहीं है, केवल 40 सदस्यों ने उस पर साइन किए थे। तो लेकिन दीपक मिश्रा जी को कैसे प्रेशर में लिया जाए उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्राविधान का दुरुपयोग किया गया। अब देखिए, अब वही काम संसद जब बनाने वालों ने बनाया होगा तो संसद का मुख्य उद्देश्य था कानून बनाएंगे, भाई देश को जो मशीनरी है देश की जो प्रशासन, मैं तीन शब्दों की बात करता हूं, शासन, प्रशासन और जनता। शासन हम उसको कहते हैं जो चुनकर सरकार बनती है, प्रशासन हम उसको कहते हैं जो प्रशासनिक लॉबी उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसकी सुरक्षा रखरखाव का काम करती है, और जनता जिसके लिए ये सब कुछ किया जाता है। तो शासन जिसकी लोकसभा में बहुमत होता है, और संसद चौथा विषय है जो कानून बनाती है, कानून बनाकर शासन को देती है, शासन प्रशासन के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। तो फिर संसद मुख्य रूप से 5-6 महीने में जब भी बैठती है तो इन उन विषयों पर जो अमेंडमेंट लाने होते हैं, कुछ नए कानूनों की आवश्यकता होती है, कुछ पावर लेने की आवश्यकता होती है, शासन प्रशासन को पावर देने की बात आती है, खास तौर से उस पर काम करती है जो गतिविधियां हो चुकी होती हैं। अब उस पर काम नहीं होने देंगे, संजय सिंह का हाल आपने देखा, उनको निकालकर बाहर कर दिया गया। बीच में किस प्रकार से राघव चड्ढा ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा दिया, जबकि वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन नहीं था, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा दिया क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑर्डर में समय मिल ही जाएगा। अब प्रधानमंत्री जी जवाब दें आगे, इंदिरा गांधी के समय पर भी जब ये सब चल रहा था तब भी गृह मंत्री का जवाब बनता था और हमेशा से गृह मंत्री का जवाब बनता है। गृह मंत्री के मामले में सब जानते हैं कि आज के गृह मंत्री बिल्कुल फुलटास बोलते हैं, वो लगी लपटी नहीं रखते और सीधा सीधा वो विपक्ष पर हमला कर देते तो विपक्ष बच जाएगा। इसलिए गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हम, अगर आप मणिपुर पर चर्चा चाहते हो तो हम चर्चा करवाने को तैयार हैं, आप हमें सुनो तो सही, उसमें हम आपको बोलेंगे, लेकिन संसद रूल 176 में चर्चा करवाना चाहता है राज्यसभा। 176 में चर्चा का मतलब ये हो गया कि आपको 2.5 घंटे का पहले समय दिया जाएगा और सरकार को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। 2.5 घंटे के समय में अगर आवश्यकता पड़ती तो और बढ़ाया जाएगा, नहीं तो ये एक पाक्षिक काम है, उसको निपटा देंगे और बाकी की संसद की कार्रवाई चलती रहेगी। विपक्ष कह रहा है कि नहीं, 267 में चर्चा करो, सारी दुनिया के काम बंद कर दीजिए, आपातकाल घोषित कर दीजिए, आपातकाल में जैसे चर्चा होती है वैसी चर्चा करवा दीजिए। अब ये संभव नहीं था क्योंकि संसद की कार्रवाइयाँ, बिल लगातार ये सब चिल्ला रहे हैं फिर भी बिल पास हो ही रहे हैं, और मजे की बात देखो, बिल पास होते समय इनके पास सबके पास नोटिस होता है, उसमें बोलने का अवसर होता है, आप बिलों पर बोलिए, उसमें आप अपनी जो रिसर्च आप कर सकते हैं, जो उसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो उस पर चर्चा कर सकते हैं, वो सब कुछ आप करिए ताकि वो बिल
अच्छा बन सके, उसकी उपयोगिता सही से सिद्ध हो सके, उसमें कुछ कमियां हैं वो बताइए। बिल पर चर्चा कोई नहीं करना, क्योंकि बिल पर चर्चा करने के लिए बिल को पढ़ना पड़ेगा, बिल को पढ़कर उसको समझना पड़ेगा, और इतनी समझदारी अगर है तो फिर कैसे होगा, समझदारी तो है ही नहीं। समझदारी विपक्ष को पढ़नी पड़ेगी, हर व्यक्ति को जो वहां बोलने जा रहा है उसको समझना पड़ेगा, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा मणिपुर पर करेंगे। मणिपुर पर चर्चा सरकार करवाने को तैयार है, सरकार जवाब देने को तैयार है, लेकिन नहीं करेंगे। अब बिल लेकिन पास सरकार को तो अपने पावर चाहिए, क्योंकि सरकार चलानी है, इसलिए सरकार लगातार उसमें अपने बिल पास करती जा रही है। ये भी संभव है कि आम आदमी पार्टी इसलिए हिंड्रेंस पैदा कर रही थी, कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि उनको वो जो ऑर्डिनेंस आया है वो कानून का रूप ले लेगा, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर उसको चैलेंज करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कानून का रूप ले लेगा। अभी तक ऑर्डिनेंस है तो वो चैलेंज करना थोड़ा आसान है, वो चैलेंज हो गया है, चीफ जस्टिस उसको सुनने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उसमें उनको समय चाहिए। इनका मानना रहा होगा कि किसी तरह से वो बिल अगर लंबा खिंच जाए, इस बार संसद से ना पास हो पाए, तो ऑर्डिनेंस ही एग्जिस्टेंस में रहेगा। ऑर्डिनेंस चैलेंज करना आसान है, और ऑर्डिनेंस में वो जो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी आसानी से उसको अपास्त कर सकता है, लेकिन संसद कानून बनाती है तो फिर उस पर एक बड़ा इशू फंसता है। तो आम आदमी पार्टी लगातार हिंड्रेंस इसलिए करना चाहती होगी, इसीलिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा दिया, इसीलिए संजय सिंह सेठ के आगे खड़े हो गए, चेयर को चैलेंज करने लगे। लेकिन आज तो हद कर दी, हद ये कर दी कि भाई आप कहते हो प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दें, और प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बाद, प्रधानमंत्री जब स्टेटमेंट दे देंगे तो प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बाद उस पर चर्चा हो, ये लंबे समय तक हो सकता है, पूरे सत्र यही चर्चा होती रहे, मणिपुर पे ही चर्चा होती रहे, पूरे सत्र में एक ही चर्चा करना चाहते हैं। ये विषय प्रधानमंत्री जी जवाब तो देंगे, गृहमंत्री दें या प्रधानमंत्री दें, जवाब तो मिलेगा ही, लेकिन इनका विषय दूसरा था। अब उसको कैसे करा जाए उसके लिए इन सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसके पास पूरा बहुमत है। जो उनके सहयोगी दल हैं अगर उनको हटा भी दिया जाए तो भी पूरा बहुमत है संसद में, और संसद में इतना बहुमत है कि सरकार पर कोई दूर दूर तक खतरा नहीं। लेकिन साहब मिसयूज जो करना, जैसे दीपक मिश्रा जी मामले में करा था, दुरुपयोग करना, तो दुरुपयोग कैसे किया जाए, दुरुपयोग करने के उद्देश्य से उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में ले आए। आप सोचो, नो कॉन्फिडेंस मोशन तब की बात होती है जब आपको लगता है कि सरकार गिर जाएगी, सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार के पास पूरा बहुमत है। और अच्छा, ऐसा नहीं कि विपक्ष भ्रम में हो, विपक्ष को भी ये मालूम है कि सरकार के पास पूरा बहुमत है, और विपक्ष ये स्टेटमेंट भी दे रहा है कि सरकार के पास पूरा बहुमत है, लेकिन हम जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, उसका सिर्फ एक कारण है कि वो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सभी दलों को बोलने का अवसर मिलेगा, संसद की जो कार्यवाही है वो कार्यवाही बंद हो जाएगी, जो कानून पास करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव चूंकि लंबा चल सकता है, बोलते समय 2-3 दिन भी लग सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लंबा चलता रहेगा, और अविश्वास प्रस्ताव में सब जानते हैं कि जिसकी सरकार होती है, जो सरकार का नेतृत्व कर रहा होता है मुखिया, मैं आज के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बात करूं, तो प्रधानमंत्री जी को अंतिम रूप से स्टेटमेंट देना पड़ता है, उनके स्टेटमेंट के बाद उस पर वोटिंग होती है। तो ये केवल इसलिए कि संसद की कार्रवाई कैसे स्थगित हो जाए, संसद में कैसे टाइम पास हो जाए, संसद में सरकार बिल पास न कर सके, संसद में वो जो ऑर्डिनेंस है दिल्ली वाला वो कानूनी रूप न ले पाए। ये सब कांग्रेस की कार्यस्थानी है, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से खिलाड़ी रही है। कांग्रेस को ये बात मालूम है कि अगर वो ऑर्डिनेंस का विरोध करेंगे तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि नेहरू जी ने ही दिल्ली में सरकार खत्म की थी। पहले स्वतंत्रता के समय पर दिल्ली एक अलग राज्य हुआ करता था, और दिल्ली में एक मुख्यमंत्री भी होता था, 2 मुख्यमंत्री रहे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उनको ये एहसास हो गया था कि दिल्ली में सरकार नहीं होनी चाहिए, दिल्ली में सरकार रहेगी तो केंद्र के लिए बड़ा भारी सिक्योरिटी का विषय बन जाता, इसलिए इनको मालूम है कि नेहरू जी उसको खत्म कर चुके थे। इनको ये भी मालूम है कि 1992 में दिल्ली बनाते समय कौन किसकी सरकार थी। ये सब जो प्रावधान, जो पावर्स की बात कही जा रही है, वो सारी पावर
कांग्रेस ने ही डिफाइन करी थी 1992 में, जब जिस समय ये कानून बनाया था, दिल्ली का दिल्ली में सरकार बनाई थी, तो ये सब रचा हुआ तो कांग्रेस का ही, और जितने कानून है वो सब कांग्रेस की, 239 कैपिटल ए ये भी कांग्रेस का ही दिया हुआ है। केवल भारतीय जनता पार्टी की आज की सरकार है और केजरीवाल सामने है। तो केजरीवाल की कंडीशन ये आ गई कि वो तभी विपक्ष का सपोर्ट करेंगे जब उनके ऑर्डिनेंस की बात करी जाएगी, क्योंकि केजरीवाल तो नंबर एक के अपॉर्चुनिस्ट हैं। तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि विपक्ष को मेरी जरूरत है, मेरे पास, मेरे साथ विपक्ष को गठबंधन करना है, और दिल्ली में अगर कांग्रेस को कुछ सीटें चाहिए, आम आदमी पार्टी तो ले नहीं पा रही, कांग्रेस को अगर कुछ चाहिए तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो जाए दिल्ली में, तो फिर दो चार सीटें कुछ इधर उधर हो सकती हैं, इनको भी मिल सकती है, उनको भी मिल सकती। लेकिन ऐसी परिस्थिति में केजरीवाल अच्छे नेगोशिएटर हो गए, केजरीवाल ने कंडीशन रख दी। केजरीवाल की कंडीशन पर कांग्रेस नतमस्तक हो गई, केजरीवाल के सामने नतमस्तक होते हुए ऑर्डिनेंस के मामले में केजरीवाल का सपोर्ट करने की बात कर दी, संसद में कानून ना पास हो इसके लिए सपोर्ट की बात कर दी। लेकिन संसद में कानून पास करते हैं और उस पर विरोध करती है कांग्रेस, तो कांग्रेस फंस जाएगी, क्योंकि अपने ही जाल चक्र में फंसी हुई, खुद ही उसने पावर दी थी, खुद ही वो जानती भी है कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग या जो पावर दिल्ली की सरकार को अगर फुल फ्लैश दे दी जाए, केंद्र से हटा ली जाए, तो दिल्ली बहुत कुछ गलत कर सकती है, दिल्ली में सरकार बहुत कुछ गलत कर सकती। इसलिए कांग्रेस को ये लगा कि दोनों में से कोई एक काम ना करना पड़े, ना विरोध करना पड़े ना सपोर्ट करना पड़े। क्या तरीका है? तरीका ये है कि संसद चलने ही ना दो, और संसद अगर नहीं चलने दी जाएगी, ये टूल किट तो हमेशा से रही। आपको याद होगा राफेल का मामला आया था, कब आया था? संसद से पहले आया था। आपको याद है सीए का मामला आया था। आप कोई भी मामले हर बार संसद के सत्र से पहले कोई ना कोई इशू, ये पेगासस का उठा लें, ये राफेल का उठा लें, कोई ना कोई इशू उठाकर संसद में हंगामा करके संसद न चलने दी जाए, इसकी व्यवस्था कांग्रेस करती है, कांग्रेस इसकी महारथी है। इस बार ऑर्डिनेंस पास ना हो जाए, कानून पास ना हो जाए, ऑर्डिनेंस कानून का रूप ना ले जाए, केजरीवाल इनसे खसक के कहीं दूर ना हो जाए, केजरीवाल इनको कहीं धता ना बता जाए, क्योंकि केजरीवाल ने तो अगलों अगलों को धता बता दिया। एक चुटकुला में पढ़ रहा था, अन्ना थे तो अविवाहित लेकिन एक नाजायज औलाद फिर भी छोड़ गए, जो देख रहे हो क्या चल रहा है। तो फिर ये सब कुछ कांग्रेस की देन है, जो 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 कांग्रेस ने दीपक मिश्रा वाले मामले में किया वही है। कि अब सवाल ये पैदा होता है कि संसद का जो ओरिजिनल काम है अगर वो नहीं होने दोगे तो क्या है? मेरा एक विचार है, मेरा विचार है कि संसद की 6 घंटे की कार्रवाई, जब संसद बैठी हो 6 घंटे की कार्रवाई फिक्स कर देनी चाहिए, केवल कानूनों पर चर्चा होगी, और उसके बाद रात्रि कार्यक्रम मतलब रात के 9 से लेकर 11 बजे तक उसी दिन संसद के दूसरे हॉल में बहस होनी चाहिए। आप मर्जी उतनी बहस कर लो, जो विषय आप उठाना चाहो, विपक्ष अपने मन से विषय उठा ले, और विपक्ष के मन से उस पर विपक्ष को ही राइट दे देना चाहिए कि आप विषय उठाओ और वो विषय आप बोल जाओ। लेकिन संसद में 4 घंटे या 5 घंटे केवल और केवल कानून की बात होगी, जो कानूनी विषय हैं उनको पूर्ण करना होगा, जो सरकार जो जो देश को चलाने के विषय हैं उन पर काम करना पड़ेगा, और बाकी आपके पास डिस्क्रिशन है। इतवार शनिवार को टाइम दे दो, भैया तुम जितना चाहो उतनी बहस यहाँ पर कर जाओ, सरकार आएगी बाद में आपको जवाब दे देगी। अगर ऐसा कर दिया जाता है तो फिर आपके पास, हालांकि अभी भी डिवाइडेड है, ऐसा नहीं है, जीरो आर्स अलग है, एडजमेंट मिशन अलग है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इस पर संशोधन करना चाहिए कि संसद में इस प्रकार कोई दूसरी बात कानून को छोड़कर उठाएगा तो वो स्वतः निष्कासित मान लिया जाएगा, उसकी सदस्यता भी चली जाएगी। उसके लिए शाम को 4-5 घंटे का टाइम है, मर्जी उतनी बहस कर लो रात में, और बहस करने के बाद चुपचाप सो जाओ, ये मेरा सुझाव। लेकिन हाँ, ये भी है कि संसद ना चलने देने पर अपराध जो देश के प्रति लोग करते हैं उसका क्या परिणाम होगा? सरकार अगर बहस करने को मना करती कि मणिपुर पर बहस नहीं करे तो सरकार दोषी थी, लेकिन सरकार जब मणिपुर पर बहस करने को पहले दिन से कह रही है कि हम बहस करना चाहते हैं, आपको हम समय भी देंगे, सभापति भी कह रहे हैं समय देंगे, तो फिर आपने इस टूल का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया कि ऑर्डिनेंस ना पास हो सके और केजरीवाल के चंगुल में न फंस सकें। देश के प्रति आपकी आस्था, देश के प्रति आप और केजरीवाल दोनों के साथ आपकी दोस्ती बनी रहे, देश के अंगेस्ट वालों के साथ भी बनी रहे, इसलिए ये सब कुछ अंग रचा गया, जो मुझे लगता है ये इससे बड़ा मजाक
हमारे यहाँ चुने हुए पार्लियामेंटेरियन के लिए कोई नहीं हो सकता कि वो कानून पर बहस नहीं करना चाहते। वो संसद को खली पीली बिना किसी कारण के, जब उनको मालूम है कि ये संभव नहीं है, जब उनको मालूम है कि सरकार मेजोरिटी में है, फिर भी ऐसा करना मुझे लगता है कि ये कानून के मजाक से कम कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।